तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों संगम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है, तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। संगम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म संगम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वही फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि संगम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म संगम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी, लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी संगम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों संगम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है, तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। संगम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म संगम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वही फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि संगम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म संगम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी, लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी संगम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा।
बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों संगम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। संगम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म संगम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो भाई, फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि संगम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म संगम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी, लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी संगम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों संगम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। संगम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म संगम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो भाई, फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि संगम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म संगम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी, लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों संगम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है, तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो भाई, फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी, लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है, तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो भाई, फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी।
अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती।
फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है।
तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणबीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है, तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणबीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है, तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है।
तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणबीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणबीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में।
साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है, तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी, लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणबीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में, साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है, तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी, लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणबीर सिंह,
करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों संगम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हां, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है, तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के सैटेलाइट डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। संगम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म संगम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि संगम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हां, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म संगम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी, लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी संगम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणबीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों संगम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हां, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है, तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के सैटेलाइट डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। संगम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म संगम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि संगम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हां, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म संगम अगेन
1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी, लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणबीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हां, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है, तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हां, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी, लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणबीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हां, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है, तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं।
फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हां, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणबीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हां, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो भाई, फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हां, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणबीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हां, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो भाई, फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी।
लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वही फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी। लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की
इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंगम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंगम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वही फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंगम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंगम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी, लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंगम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंगम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंगम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंगम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंगम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंगम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वही फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंगम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंगम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी, लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंगम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंगम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंगम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है।
तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वही फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी, लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वही फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी, लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे।
फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के बारे में, साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों संगम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है, तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के सैटेलाइट डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। संगम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म संगम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो भाई फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि संगम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म संगम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी, लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी संगम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के बारे में, साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों संगम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है, तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के सैटेलाइट डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। संगम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म संगम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो भाई फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि संगम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म संगम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी।
लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो भाई, फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो भाई, फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी।
अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती।
फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है।
तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है।
तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणबीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणबीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे।
फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों संगम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है, तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। संगम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म संगम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि संगम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म संगम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी, लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी संगम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणबीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों संगम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है, तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। संगम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म संगम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि संगम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म संगम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी, लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों संगम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है, तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी, लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है, तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं।
फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणबीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणबीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी।
लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणबीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी। लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणबीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने
माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है।
जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है, तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी, लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है, तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी, लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे।
फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों संगम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है, तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। संगम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म संगम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वही फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि संगम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म संगम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी, लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी संगम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों संगम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है, तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म संगम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। संगम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म संगम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वही फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि संगम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म संगम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी,
लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हां, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो भाई, फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हां, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हां, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो भाई, फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी।
अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। साथ ही आपको देंगे इस फिल्म का डिटेल रिव्यू, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर फैंस का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, और इन दिनों सिंघम अगेन को लेकर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फैंस में देखी जा रही है। दिवाली के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसने अपनी रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट की लगभग 80% रकम कमा ली है। तो इससे जाहिर है कि रिलीज होने के बाद ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र का कहना है कि ये फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थ्रेटिकल डील होने वाली है। फिल्म की इस डील से इसने अपने बजट का लगभग 80% खर्चा निकाल लिया है। सिंघम अगेन को डिजिटल राइट के लिए भी भारी भरकम रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो भाई, फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल और म्यूजिक राइट की रकम ही इसके आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। साथ ही फिल्म को लेकर लोगों की क्रेजीनेस देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बेहद आसानी से अपना पूरा बजट निकाल लेगी, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म के रिलीज के बाद ही इस फिल्म की कमाई का अनुमान लगाया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब इस फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मेकर्स को ये उम्मीद है कि ये फिल्म इस आंकड़े को पहले दिन ही पार कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंघम अगेन अपने रिलीज डे पर क्या धमाका करती है। भूल भुलैया 3 से होगा इस फिल्म का सीधा क्लैश। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए भूल भुलैया 3 भी उतरेगी। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि अभी सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फिल्मों का क्लैश इन्हें एक दूसरे पर भारी होने से रोकेगा। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। तो वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।